अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी फिलहाल जो सिनॉप्टिक सिचुएशन जो पहले मीन्स वेलमार रोड था वो अभी डिप्रेशन में कन्वर्ट होके उसका लोकेशन जो है साउथ ओडिशा एंड एडजनिंग साउथ छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है एंड नॉर्थ आंध्र प्रदेश के ऊपर। तो ये जो डिप्रेशन है आगे जाके इसका नॉर्थ वेस्टर्नली मूवमेंट है और ये इसके वजह से इसके साथ ही देख सकते हैं आप यहाँ पे एक मानसून ट्रफ भी बना हुआ है जो कि गंगानगर से होते गुना से होते हुए मंडला से होते हुए इस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ डिप्रेशन से होते हुए आगे बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहा है और उसके साथ ही एक हरियाणा के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल और एक मीन शेयर जोन भी है 18 डिग्री नॉर्थ के ऊपर। इन्हीं सभी सिनॉप्टिक सिचुएशन के चलते हमने जो पूर्वानुमान जारी किया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे भी मीन्स वेस्ट एमपी और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में जो है मोस्ट मेनी से मोस्ट प्लेसेस में रेनफॉल होने की संभावना है। उसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी देख सकते हैं आप देवास खरगोन बुरहानपुर हरदा बैतूल में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और मोस्ट ऑफ द वेस्ट एमपी के ऑलमोस्ट सभी जिले जो है और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश यानी भोपाल के जो है रायसेन और सीहोर और राजगढ़ भी कवर हो रहा है यहाँ पे जो है येलो अलर्ट दिया गया है जिससे कि मीन्स वर्षामान जो है 65 मिलीमीटर से ऊपर होने की संभावना है। डे थ्री में आप देख सकते हैं कि इसका जो मीन्स असर थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन पश्चिम मध्य प्रदेश और सेंट्रल मध्य प्रदेश में मेनी प्लेसेस में रेनफॉल होने की संभावना है और मीन्स ईस्ट एमपी में जो है फ्यू प्लेसेस पे रेनफॉल होने की संभावना है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हेवी रेनफॉल का कम हो गया है फिर भी यहाँ पे सीहोर देवास हरदा तथा रतलाम और बैतूल में जो है मीन्स हेवी रेनफॉल होने की संभावना है यहाँ पे 65 मिलीमीटर के ऊपर वर्षामान होने की संभावना। बाकी जगह भी आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ बहुत सारे गिरने की संभावना पूरी बनी हुई है। लोकल 18 के लिए भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।